केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे आप देख सकते हैं कि मकर संक्रांति समारोह बना रहे हैं और खुद तिलकुट और चूड़ा खा रहे हैं। आप साफ तौर पे देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा कि वो ये दृश्य दिखाए आपको। क्या कुछ कहा इन्होंने, सुने। इस तरह का आयोजन पूर्वजों से, प्राचीन काल से हमारे यहाँ मकर संक्रमण का जो महोत्सव होता है, आज और कल मकर संक्रमण का त्यौहार बड़े धूमधाम से लोग महीनों मनाएंगे, सप्तों मनाएंगे और पूर्व में भी मनाते हैं। कल मैं प्रयागराज में था, मेरे मन में विचार आया कि प्रयागराज से कुंभ के बाद आ रहा हूँ, कुंभ के बाद वहाँ चिकित्सा का शिविर का उद्घाटन, और वहाँ से आने के बाद मुझे लगा कि आज यहाँ पर आपस का पारिवारिक मिलन समारोह रखा जाए। बहुत दिनों से लोग, परिवार के लोग मिले नहीं थे, तो एक साथ यहाँ कार्यकर्ता के रूप में भी रहा तो मैंने सभी परिवार को बुलाया, जितने हमारे पुराने नए सब लोग थे एक साथ। सामाजिक समरसता का जो महान पर्व है, छोटे बड़े, गरीब अमीर, सब लोग, सारे कार्यकर्ता, महामहिम राज्यपाल, मंत्री, विधायक, सब लोग मिल कर के आज यहाँ भोजन कर रहे हैं, दही चूड़ा खा रहे हैं। लोग मिलने की परंपरा है, गंगा स्नान करते हैं, सामूहिक स्नान करते हैं, सामूहिक भोजन करते हैं। सामूहिकता में जो विशेषता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए हमें सामूहिक रूप से परिश्रम करना पड़ेगा। हमें समाज के अंदर जो समाज के अच्छे लोग हैं, समाज के ऐसे वंचित लोग हैं, उनको भी साथ लेकर के आगे बढ़ाना होगा। और आज के बाद भगवान भास्कर दक्षिण से उत्तरायण की ओर बढ़ रहे हैं, यानी समाज का अब वो प्रकाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं, विकास की ओर बढ़ रहे हैं। हमें समाज का विकास करना है, सबको साथ लेके करना है, सबका साथ, सबका विकास, इसी मूल मंत्र से हमें आगे बढ़ना है। तो देश को उन्नत बनाने के लिए एक नया भारत, स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत, अटल जी का जो महान सपना था, वैसा भारत बनाने के लिए हम संकल्पित रहें। इदम राष्ट्राय स्वाहा, मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है राष्ट्र के लिए समर्पित है। एक नया भारत, एक न्यू इंडिया, जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी, तो आज सामाजिक समरसता का पर्व हम लोगों ने मिलजुल करके परिवार के साथ मिलाया, इसके लिए सुखद है। मैं गौरवान्वित हूँ कि सारे पुराने नए परिवार के लोग आज एक साथ इकट्ठा है, प्रेस हो, मीडिया हो, सब लोग, और सब मिलके हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं। वहाँ से आपकी सक्रियता भी बढ़ जाएगी 2019। स्वाभाविक है, सक्रियता तो बढ़ना है। सक्रिय तो हम लोग 18 घंटा जब हमारे प्रधानमंत्री जी काम करते हैं तो हम लोग तो स्वाभाविक है उतने ही समय प्रयास करते हैं। अब अगले चुनाव, हाँ जरूर, शुभ कार्य तो होना ही चाहिए। आज भगवान का, भास्कर का जब उत्तरायण की ओर है तो हम लोग भी विकास की ओर बढ़ रहे हैं, और उस विकास में शुभ काम भी आगे आने वाला है, जरूर होगा। सक्रियता भी बढ़ेगी राजनीति, निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ताओं की सक्रियता भी बढ़ेगी, और देश में लोगों का जो विश्वास है कि हम सबका साथ, सबका विकास, इस मूल मंत्र से देश को आगे बढ़ाएं, एक नया भारत बनाएं, एक न्यू इंडिया, 21वीं शताब्दी का भारत, विश्व गुरु हो स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, आज उसी भारत को बनाने के लिए उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान बोधता, उठो जागो, लक्ष्य तक पहुँचे बिना विश्राम मत करो। स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत, युवाओं के लिए विशेष करके एक युवा भारत बनाने का जो संकल्प है, हम संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। आइए हम सब मिलकर के महान भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत को आगे बढ़ाएं। अश्विनी चौबे जी, आप परिवार की बात कर रहे हैं तो बिहार में एक ऐसा भी परिवार है जो कि अब तकरार हो गया है। कल आशा पासवान धरना पे बैठ गई, बोली पासवान जी ने जो अंगूठा छाप जो शब्द का इस्तेमाल किया है वापस ले, माफी मांगे, तो परिवार में भाई मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं होता है। अब किसी को कोई शब्द से कहां आहत हुआ मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं सुना, लेकिन आप बता रहे हैं, और इससे कोई, सब लोग, रामविलास पासवान जी बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं, अच्छे नेता हैं, उन्होंने किसी दूसरे शब्द में उसका कोई अनर्थ नहीं लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज सबको मिलकर के और मकर संक्रमण का मतलब पर्व मना करके और सबका मंगलमय हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः। साधु पासवान ने कहा है कि एनडीए गठबंधन बौखला गई है, इसीलिए इस तरह का स्टेटमेंट दे रही है। कौन कह रहे हैं? साधु पासवान जी ने कहा है कि एनडीए गठबंधन बौखला गई है, जान रही है महागठबंधन इस बार। अरे छोड़ो भाई, अब उनका उनका नाम साधु है, क्यों असाधु बात कहवाते हैं? लालू यादव के घर आज मकर संक्रांति का भोज नहीं हो रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि हर घर में भोज हो, मेरी इच्छा है। आपने सब घर में बोला, सारे लोगों को, मैंने सबको बुलाया कि जो लोग भी हैं, मैंने व्हाट्सएप से जिस, और मैंने व्यक्तिगत रूप से बहुत कम लोगों से कह पाए। मैं तो कल कहा कि प्रयागराज से आज सुबह आया हूँ, और अचानक दो दिन पहले कार्यक्रम बना, फिर भी हजारों लोग आए, सुबह से लगातार आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि लालू जी भी स्वस्थ रहें, और जेल में हैं, भले ही चारा घोटाले में उनका प्रसिद्धि बना है, अब
परिवार के लोग सोचें कि आगे कोई देश में राज्य में घोटाला ना हो। तो सुना आपने, दही और ये जो मकर संक्रांति मिलन समारोह है वो मना रहे हैं, और यहाँ पे कुछ देर पहले ही महामहिम राजपाल जो है आए थे, उन्होंने भी इस समारोह में हिस्सा लिया। और यदि बात करें कि राजनीति, क्योंकि लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है, ऐसे में सभी राजनीतिक दल मकर संक्रांति बना रही है। अश्विनी चौबे से जब ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या ये सिर्फ एनडीए गठबंधन के लिए ये समारोह स्पेशली बनाया गया था, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नहीं, सभी दल के नेता यहाँ पे आए थे, कांग्रेस के भी कुछ प्रवक्ता, आरजेडी के भी कुछ प्रवक्ता आए थे, यहाँ पे नेता आए थे, और सभी को हमने व्हाट्सएप के थ्रू चिट्ठी भी दिया और सभी को हमने इनवाइट किया था इस समारोह में, और सभी आए हैं। और हम आशा, अश्विनी चौबे ने ऐसा कहा है कि हम आशा करते हैं कि नया किरण, नया उजाला हो और देश में उन्नति प्रगति हो। बहरहाल, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।